ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। पूरी दुनिया जाग गई है, भारत के नागरिक जाग गए हैं कि ईवीएम में धोखा ही धोखा है। सच होने का 1% भी चांस ईवीएम में नहीं है। अडानी साहब के चैनल एनडीटीवी के माध्यम से पूरी दुनिया को यह झूठ फैलाना कि हमारी मशीनों में गड़बड़ नहीं है। ईवीएम झूठी ईवीएम को सच्चा ठहराने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों का साथ दे रहे हैं। पूरी दुनिया में इसको झूठा माना जाता है। आप इस झूठ को सच दिखाने की कोशिश मत करो। आपने संविधान की शपथ ली है, आप अपराध कर रहे हो। चुनाव सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से होंगे। ये हमारा देश की जनता ने जो हम पे जिम्मेदारी लगाई है, हम उनसे वादा करें। सुप्रीम कोर्ट को भी अपने प्रेशर में ले लेंगे और ले रहे हैं, ऐसा इंप्रेशन ये आरएसएस और बीजेपी की सरकार दे रही है पूरे देश को और देना चाहती है। हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, आज जो हम लॉयर्स हैं, हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं। हमारी जिम्मेदारी देश के आम नागरिक की तरह भी और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की हैसियत से भी ये है कि हम न्यायपालिका को किसी भी दबाव से बचा के रखें। ये जिम्मेदारी पूरे देश के नागरिकों की आती है और ख़ास तौर पे वकीलों की आती है। तो हमने ये चैलेंज सरकार का स्वीकार किया है। हम न्यायाधीशों के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं आने देंगे, बिल्कुल नहीं आने देंगे। इसलिए न्यायाधीशों के और न्यायपालिका के साथ में सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, किसी की हिम्मत और मजाल नहीं है। आरएसएस के चाहे प्रधानमंत्री जी हों या अमित शाह साहब हों, किसी की हिम्मत और मजाल नहीं है भारत देश की जनता के रहते हुए न्यायाधीशों के ऊपर दबाव बना सके डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और जनता हमारी रक्षा के लिए आगे आए। आज जनता ने उनकी बात सुन ली है। जनता और पुलिस, जनता और एडवोकेट्स, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट आज सड़कों पर हैं सुप्रीम कोर्ट की रक्षा करने के लिए, न्यायिक व्यवस्था की रक्षा करने के लिए। दूसरी बात यह है कि हमने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया है कि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है। ईवीएम के माध्यम से हमने ये पूरी दुनिया के सामने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, नहीं बियॉन्ड एनी डाउट, कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश अब नहीं रह जाती। हमारे 6, 5 और 6 का जो प्रदर्शन हुए थे उसके बाद एक आयोटा ऑफ भी डाउट नहीं रह गया है आज पूरे देश के नागरिकों के मन में और पूरे दुनिया के लोगों के मामले में। तो अब ये बात साबित हो गई है। इसीलिए पिछली 5 तारीख को पुलिस ने हमें रोका कि कहीं हमें इलेक्शन कमीशन के लोग वो ना दे दें, ईवीएम की मशीनें 50-50-50 हमें ना दे दें, नहीं जाने दिया। उसके बाद हमने 6 तारीख को डिमॉन्स्ट्रेशन करके पूरी दुनिया को दिखा दिया। ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार दिखाया ये, लेकिन हमारे जो वकीलों के माध्यम से जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के माध्यम से 6 तारीख को जो हमने डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया था, उससे दुनिया के सामने, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों ने देखा और वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग भी मौजूद थे, तो पूरी दुनिया जाग गई है, भारत के नागरिक जाग गए हैं कि ईवीएम में धोखा ही धोखा है। सच होने का 1% भी चांस ईवीएम में नहीं है। और अब उसका दूसरा सबसे बड़ा सबूत यह है कि चुनाव आयोग अपने अधिकारियों को ये कह रही है साफ साफ तौर पे, जाओ ये झूठी मशीनें जो हमने बनाई हैं तुम्हारे लिए, जो हमें नहीं देना चाहते। हम तो कह रहे हैं ना, कोई बड़ी से बड़ी झूठी मशीन हमें दे दो, उसको झूठ साबित करके हम दिखा देंगे। वो क्या कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को मजबूर होना पड़ा के अपने अफसरों को सड़क पे उतार के अडानी साहब के चैनल एनडीटीवी के माध्यम से पूरी दुनिया को यह झूठ फैलाना कि हमारी मशीनों में गड़बड़ नहीं है। कौन करता है, जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है, ये काम कौन करता है भाई? अब तुम्हें इतने सालों बाद क्या जरूरत पड़ गई सड़क पे मशीन लाने की, क्या जरूरत पड़ी? इससे साफ होता है के पूरी दाढ़ी में तिनके हैं। दूसरी बात, ये कैसा है जैसा एक और अभियान मोदी जी ने चला रखा है बीजेपी की कैंपेन करने के लिए, सरकारी अफसरों को सामने कर रखा है। कर रहे हैं ना अपनी सारी जो इनकी यात्रा निकल रही है कि सारे सरकारी अफसर बीजेपी की स्कीम्स को दिखाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की कैंपेनिंग करेंगे। उसी प्रकार से इन्होंने ईवीएम की भी कैंपेनिंग, ईवीएम झूठी ईवीएम को सच्चा ठहराने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों का साथ दे रहे हैं। मैं इन सभी चुनाव आयोग के अधिकारियों को बता रहा हूं, ये आप अपराध कर रहे हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत। ये काम मत करो, अगर ये झूठी मशीन है इनको सच्चा दिखाने की चेष्टा मत करो। पूरी दुनिया में
पूरी दुनिया में इसको झूठा माना जाता है। आप इस झूठ को सच दिखाने की कोशिश मत करो। आपने संविधान की शपथ ली है, आप अपराध कर रहे हो, ये अपराध मत करो। इसीलिए ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा लीड नहीं कर रहे हैं इसको। एक तो बात ये सब दिमाग में अपने सब निकाल लें। देश की जनता लीड कर रही है और देश की जनता हमें मजबूर कर रही है कि हम इस रास्ते को पकड़ें और आगे ही आगे बढ़ें। देश की जनता का ये आह्वान हम लोग अपनी जान देकर भी नहीं ठुकराएंगे, नहीं नकारेंगे। अगर हमारी जानें भी जाती हैं तो देश की जनता की ये आवाज़ हम ना सिर्फ उठाएंगे मजबूती से, बल्कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। चुनाव सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से होंगे। ये हमारा देश की जनता ने जो हम पे जिम्मेदारी लगाई है, हम उनसे वादा करते हैं। ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, जिंदाबाद जिंदाबाद। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। पूछो भाई, भारत देश की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर ये बात सुनी जाएगी, जब आप आरोप ये लगाते हैं कि किसी की नहीं सुन रहे, तो आप लोगों की ये बात क्यों सुनी जाएगी? बार बार हम बता चुके हैं, हम मालिक हैं, देश की जनता मालिक है। नौकर अगर मालिक की बात नहीं सुनेंगे तो वह नाफरमान नौकर हैं, वो अपराध करने वाले नौकर हैं। इन अपराधी नौकरों को हम लोग कानून के माध्यम से, इसी हमारे न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से सजा दिलवाएंगे, ऐसा आप भरोसा रखें। देखिए चुनाव करीब है, अगर जल्दी कराना है चुनाव तो पेपर बैलेट के माध्यम से जल्दी होता है, अगर सुरक्षित चुनाव कराना है तो पेपर बैलेट के माध्यम से सुरक्षित होता है। ये सब झूठ की एक आडंबर बना रखा है कि पेपर बैलेट का कोई भी नुकसान है। पेपर बैलेट का एक भी नुकसान नहीं है, पेपर बैलेट के फायदे ही फायदे हैं और ईवीएम के नुकसान ही नुकसान है। जल्दी भी चुनाव होगा, स्वच्छ चुनाव होगा, निष्पक्ष चुनाव होगा, पेपर बैलेट से होगा या फिजिकल बैलेट से होगा। पूरे दुनिया के देश ऐसा कर रहे हैं, तो हमारा अभी बांग्लादेश ने किया। अरे अरे, हम भारत के संविधान की के मानने वाले लोग हैं, हम अगर चाहें तो हम इलेक्शन कमीशन तक भी अभी जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। हम अगर चाहें तो हम अभी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं, प्रधानमंत्री के घर तक जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता हमें। लेकिन हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, हमें मजबूर ना करो कि हम संविधान बचाने के लिए हम अपना जो काम है और मजबूती से करें। अभी हम पूरे देश को जगा रहे हैं, बस पूरा देश जाग चुका है। हमारे ऊपर इतना दबाव है, भानु जी ने आपको बता ही दिया होगा, फोन हमारा क्रैश हो चुका है, हम दूसरा माध्यम तलाश कर रहे हैं। अभी हम आज मेरे ख्याल से कुछ ही घंटों में हम दूसरा माध्यम भी तैयार कर लेंगे। तो पूरा देश हमसे चाहता है कि आप लोग पीछे मत हट जाना, वरना देश आपको माफ नहीं करेगा। हम इतनी बड़ी गद्दारी अपने देश की जनता से नहीं कर सकते। हम तुम्हारे साथ हैं,